हेलो नमस्कार, दिस इज मी तरुण, बॉलीवुड दोस्त आपका, और लेकर आता हूँ बॉलीवुड टॉकीज। बॉलीवुड टॉकीज के इस एपिसोड में आज हम जानेंगे जितेंद्र और रेखा के प्यार का किस्सा, कैसे ये मिले और फिर क्यों ये दोनों अलग हो गए, रेखा की जिंदगी का ये अनछुआ किस्सा। देखते रहिए बॉलीवुड टॉकीज का ये एपिसोड और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। शुरुआत तब हुई जब एक बेचारा फिल्म रिलीज हुई, साल था 1972। पहली बार दोनों इस फिल्म में नजर आए। रेखा ने इस फिल्म में जितेंद्र के साथ काम किया था। उस टाइम तक जितेंद्र एक पॉपुलर हीरो बन चुके थे और लड़कियों के पसंदीदा हीरो भी थे, और रेखा को भी ये पंजाबी मुंडा बहुत अच्छा लगने लगा था। शूटिंग के दौरान रेखा की जितेंद्र से मुलाकातें हुई। जितेंद्र रेखा की जिंदगी में आने वाले ऐसे पहले शख्स बने जिनसे रेखा को बहुत अपनापन लगता था। जितेंद्र का प्यार से और इज्जत से बात करना, बोलने का सलीका, सब कुछ रेखा को बहुत भाने लगा था। मुलाकातें शूटिंग की वजह से अक्सर होती ही थीं। फिर थोड़े ही समय में दोनों की दोस्ती भी हो गई। पता भी नहीं चला कि जितेंद्र के बहुत करीब आ चुकी थी रेखा और उनके साथ अपना फ्यूचर भी देखने लगी। लॉन्ग ड्राइव पर जाते, डिनर करते, सब कुछ जैसा सोचा था वैसा ही होता जा रहा था। रेखा और जितेंद्र की नज़दीकी के किस्से अब फिल्म इंडस्ट्री में गूंजने लगे थे और मीडिया रेखा के बिंदास बयानों को सुर्खियों के साथ छापने भी लगी थी। सब जानते थे कि रेखा ही ऐसी अदाकारा है जो कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बोलती है। पर रेखा की ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी। दरअसल जितेंद्र की एक गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम था शोभा। शोभा एक एयर होस्टेस थी। जितेंद्र कुछ समय के लिए तो रेखा के करीब आए थे, पर अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। वो शोभा से शादी करना चाहते थे। यहाँ ट्रायंगल लव स्टोरी बन गई और इसी कारण रेखा और जितेंद्र में झगड़े होने लगे। तुमसे ज्यादा मुझे भी अपने घर की लाज प्यारी है, ये तुम भी अच्छी तरह समझ लो। तो फिर आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग। बिल्कुल अलग अलग। और बात अब यहाँ तक पहुँच गई कि फिल्म अनोखी अदा, जिसमें ये दोनों साथ में शूटिंग कर रहे थे, तो शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। रेखा का प्यार में पहली बार दिल टूटा था और उस समय उन्हें एहसास भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें एक बार नहीं बल्कि कई बार इस मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी। तो इस दास्तान में बस इतना ही, लेकिन अगर आप रेखा के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर जस्ट इधर ऊपर देखिए, यहाँ लिंक है, इस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और सीधा आप पहुँच जाएंगे उस वीडियो पर जहाँ पर रेखा की ये पूरी बायोग्राफी है। तो आप देखते रहिए इस चैनल को, ये भी बीवी का टीवी का एक सेकेंडरी चैनल है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो बनता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें बनाते हैं, सच्ची चीज़ें बनाते हैं हम, बिल्कुल बकवास और झूठी बातें नहीं बताते, हम वही बताते हैं जिसमें सत्यता होती है। तो देखते रहिए बीवी का टीवी बॉलीवुड टॉकीज एंड बीवी का टीवी बॉलीवुड बायोग्राफीज के चैनल। मैं हूं तरुण, अब आज्ञा दीजिए मुझे, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।